क्या हाल चाल है भाई लोगों तो आ चुके हैं एक और नए गेम प्ले वीडियो पे और तुम लोग मेरे से एग्री करते हो या फिर नहीं करते हो तो ज़रूर बताना कि जो ये सीज़न नाइनटीन है सीजन नाइनटीन इक्वल टू कैंपिंग इन टू हंड्रेड ऐसा हो रहा है या फिर नहीं हो रहा है आपके साथ तो ज़रूर बताना भाई मेरे साथ तो बहुत ज़्यादा हो रहा है बंदे ऐसी ऐसी जगह कैम करके मार रहे हैं कि भाई आप कन्फ्यूज हो जाओगे कि भाई बंदों के पास इतना आई क्यू आई क्यू लेवल आग से रहा है कि भाई वो ऐसी जैसी जगह से कैम करके मार रहे हैं कि भाई कोई आइडिया ही नहीं मिल रहा है अब बात करते हैं आले गेम प्ले में भाई उतरते ही रोजो पे उतरा था मैं उतरते ही अच्छी खासी लूट तो मिल गई थी मुझे और मेरे आसपास भी एक बंदा उतरा हुआ था तो किस्मत अच्छी यह होती है कि मुझे एक के मिल जाती है यहाँ पे और वो बंदा भाई शेक के अंदर चले जाता है तो यहाँ पे मैं एक नेट कुक करता हूँ और जैसे ही फेंकता तो वो बंदा बाहर निकल जाता है और इसे हल्का डैमेज कर देता हूँ तो मैं समझ गया ये बंदा सबसे पहले भाई कवर में भागेगा या फिर कहीं पे कैम करेगा तो मुझे यहाँ साइड से आवाज़ आ गई थी कि बंदा भाई लेटा हुआ है तो इसे काफ़ी इजीली इस भाई लॉबी पहुंचा दिया मैंने और ये सिंगल बंदा ही था यहाँ पे इसके टीममेट भी आसपास बिल्कुल नहीं थे पर भाई रोजों के अंदर इतने सारे बंदे उतरे होते हैं कि भाई बैक टू बैक फाइट निकलती है और सारे बंदे एक साथ तो यहाँ पे एक रियल बंदे को मैं नॉक करता हूँ मिनी से इतने में इसका टीम में भाई नीचे आ जाता है इसे कवर देने इसे भी डैमेज देता हूँ पर इसका जो तीसरा बंदा होता है वो ऊपर से भाई फायर दे रहा होता है बहुत गंदा तो सबसे पहले भाई ऊपर वाले बंदे को पेलते हैं तो इसे पेलने के बाद यहाँ पे बचे भाई ये दो बंदे नॉक पड़े और एक बंदे को भाई बहुत ज़्यादा डैमेज मिला है और भाई ये कैंपर देखो ये भाई कहाँ से आया अगर मैं इतना रिफ्लेक्शन दिखाता तो पीछे बिल्डिंग वाला बंदा मुझे काफ़ी इजीली मार देता है और इतने में ये आगे वाला बंदा भाई यहाँ पे आके उस बंदे से लूटने लग जाता है तो फाइनली इसे भी काफ़ी इजीली नॉक कर देता हूँ पर यहाँ पे जिस बंदे को मैंने पीछे नॉक करा था वो अभी भी नॉक ही पड़ा है क्योंकि भाई उसके टीममेट आस आसपास बिल्कुल नहीं होते तो थोड़ी देर बाद मुझे उसका भी किल ईजिली मिल जाता है तो ये रोजो पे भाई लूट के नाम पे लॉन्ग रेंज पे कुछ भी नहीं होती नहीं होता तो यहां पे मैं दोबारा मिनी उठा लेता हूं और इतनी ज्यादा फाइट हो गई और ये बंदा ऑफलाइन भाई किसी के हत्या अभी तक नहीं चढ़ा इसकी तो किस्मत काफी अच्छी थी तो जैसे मैं भाई यहाँ पे आ रहा था ये बंदा भाई खुले से आ रहा था और काफ़ी इजीली पिट गया पर इसने भी मुझे काफ़ी ज़्यादा डैमेज दिया था तो यहाँ से मैं लूटते हुए निकलता हूँ क्योंकि यहाँ पे और बंदे मुझे लगा कि और बंदे बिल्कुल नहीं होंगे पर भाई मैं बिल्कुल गलत था क्योंकि यहाँ पे एक स्कॉट अभी भी और बच रही होती है जिसमें से पहले बंदे को नॉक करता हूँ और दूसरा बंदा भी काफ़ी ईजिली हथेते चढ़ जाता है और जो इनका लास्ट बंदा होता है भाई वो सीधे इन्हें कवर देने आ जाता है तो यहाँ पे याली स्कॉट भी काफ़ी इजीली वाइप हो जाती है और मुझे लग रहा था कि रोजोक में और बंदे बिल्कुल नहीं होंगे पर होता भी ऐसा ही है रोजोक में और बंदे बिल्कुल नहीं होते और ड्रॉप भी रोजोक में ही गिरा होता तो यहाँ पे मैं चले जाता हूँ ड्रॉप लूटने और ड्रॉप में चेक करता हूँ कि भाई कैंपर तो नहीं है आस तो यहाँ पे ड्रॉप से मैं भाई एम टू फोर नाइन ला चुका हूँ और ये बताना है कि एम टू फोर नाइन में एक्सटेंडेड मैं किस किस को पसंद है भाई डेढ़ सौ एम ओ के साथ अब यहाँ पे भाई खुले में बहुत ज़्यादा फाइटें चल रही होती है क्योंकि भाई यहाँ पे दो स्कॉडे या तीन स्क्ॉडे आपस में लड़ रही होती है कुछ बंदे स्कूल की साइड होते हैं कुछ अपार्टमेंट साइड और कुछ यहाँ पे जो नया अपडेट आया है यहाँ पे जो गाड़ी है उसके आसपास तो यहाँ पे मैं एक बंदे को नॉक कर देता हूँ जिसे नॉक करता हूँ मैं उसे काफी इजीली फिनिश कर देता हूँ इतने में उसका जो दूसरा टीम होता है वो भी फिनिश हो जाता है और उसे फायर आगे की तरफ से पड़ा था ये बंदा मेरे हत्ते चढ़ जाता है जिसे नॉक करते हुए मैं फिनिश कर देता हूँ काफ़ी जल्दी और यही सबसे मौका था कि यहाँ पे जो ड्रॉप हुआ था ड्रॉप में अब एक ही स्क्वाड है जिसके दो बंदे काफी इजीली पिल गए तो यहाँ पे एक बंदा या फिर दो बंदा होगा पर जैसे मैं यहाँ पे आता हूँ एक गाड़ी और आ जाती है यहाँ पे जैसे पहला बंदा नॉक दूसरे बंदे को भी काफी इजीली मैं नॉक कर देता पे और जैसे यहां पे मैं टीपी पी लेता हूं भाई ये एक लास्ट बचा हुआ बंदा जो पहली वाली स्कॉट को जिसके बंदे मैंने मारे थे उसका लास्ट बचा हुआ बंदा भाई कैंप करता है और वो भी पिल जाता है भाई भाई इतना तगड़ी कैंपिंग भाई बंदे ने फुट स्टेप बिल्कुल नहीं दिया और मुझे काफ़ी इजीली मार गया भाई कैंपर भाई एक नंबर के कैंपर मिल रहे हैं भाई सीजन नाइनटीन पे तो अब बात करते हैं दूसरे गेम प्ले की दूसरे गेम प्ले पर भाई मैं यहाँ पर बहुत ज़्यादा बंदे उतरे हुए थे मैं उतरा था आराम से भाई पोचिंग पे और पोचिंग पे उतरते ही भाई गलत सीन हो जाता है बहुत तगड़े वाले क्योंकि भाई उतरते ही डी मिल जाती है और डी मिलते ही मेरे को कोई ऑर्गन बिल्कुल नहीं मिलती है तो पहला बंदा मेरे हत्ते चढ़ जाता है जिसके पास ए होती है वो काफ़ी ज़्यादा मुझे डैमेज देता है यहाँ पे भाई डी के सामने क्लोज रेंज में भाई वो बंदा क्या ही बसता अब इतने में भाई दूसरी बिल्डिंग से भाई ये मुझे स्पॉट हुआ नहीं अगर स्पॉट पहले नहीं होता तो ये मुझे काफ़ी इजीली भाई यहीं से मार देता क्योंकि मैं टी पी पी लेर था वो भी बहुत गंदी और जैसे ये बंदा स्पॉट इस हुआ इसे भी भाई डी से मार देता हूँ काफ़ी ईजिली और एक स्कॉट मेरे नीचे है जिसमें से ये बंदा मेरे पे रस करता है इसे काफ़ी ईजिली मैं नॉक फिनिश कर देता हूँ और इतने में और बंदों के भी साउंड आ रही थी जो बगल वाली बिल्डिंग में मैंने जिसे नॉक करा था उसे ये बंदा रिवाइव देने जा रहा है तो यहाँ पे नॉक बंदे को मैं पेल देता हूं अब बचा ये बंदा जिसके पास ऑटो गन है तो यहाँ पे बड़ा ध्यान से खेल रहा था क्योंकि इस बंदे के पास ऑटो गन थी और डीबीएस का यही फायदा होता है भाई भाई क्लोज रेंज में अगर अगर बंदे के पास कोई सी भी गन हो अगर आप डीबीएस उसके बॉडी में चिपका देते हो दो गोली तो बंदा काफी ईजीली पिल जाता है तो एक बंदा मेरे पे रस कर रहा होता है यहाँ पे जो डायरेक्ट ऊपर चढ़ता नहीं है पर मैं यहां पे एक के एम से कवर फायर मारता हूँ वो बंदा अभी भी ऊपर चढ़ता नहीं है बिल्कुल भी तो ये बंदे बिल्कुल भी अभी चढ़ नहीं रहे थे तो यहां पे मैं एमएम उठा लेता हूँ डीबीएस का और इतने में एक चढ़ता है एक को नॉक कर देता हूँ भाई और दूसरे बंदे को भी काफी इजीली डीबीएस से पेल देता हूँ क्योंकि भाई क्लोज रेंज में डीबीएस से पावरफुल गन आपको देखने को बिल्कुल भी नहीं मिलेगी शॉर्ट गनों के अंदर अब बारी दो बंदों की थी जो भाई पीछे साइड कैम्प कर रहे थे वॉल के साइड तो ये बंदे मेरे पे डायरेक्ट बिल्कुल रस नहीं करता है पर यहाँ पे एक बंदा मुझे बेच कर रहा था दूसरा बंदा भाई यहाँ पे नीड मारता है तो जैसे मुझे पता चलता है नीड मारता है मैं नीचे की तरफ आ जाता हूँ और उसने नीट भी एकदम कुक मारा था जो भाई खिड़की पे ही फटा और मुझे बहुत ज़्यादा डैमेज मिल गया तो इतने में भाई उन बंदों के जो ऑटीमीट होता है वो भी आ जाता है गाड़ी से तो मैं समझ जाता हूँ ये भाई एक ही स्क्वाड है जो मेरे पीछे हाथ धो के पड़ चुकी है तो मैं सीधे फॉल बैक करता हूँ क्योंकि मेरी हेल्थ भी बढ़ती जाएगी और मुझे बंदे भी स्पॉट होते जाएंगे तो यहाँ पे पहला बंदा मेरे हथे चढ़ता है जिसे काफ़ी नॉक मिस कर देता हूँ और अभी भी इसके तीन बंदे भाई बचे हुए हैं जो भाई कैम कर रहे हैं और तीनों बंदे भाई एक साथ रस कर रहे हैं भाई कोई भी सिंगल सिंगल करके रस बिल्कुल नहीं कर रहा तो यहाँ पे एक बंदे को डैमेज देता है वो कवर में जाता है तो मैं भी यहाँ पर भाई कवर ढूंढता हूँ क्योंकि बंदे भाई तीन हैं और वो भी एक साथ चढ़ रहे हैं तो जैसे एक बंदा घूमता हुआ यहाँ पर इसे काफ़ी इजीली डी बी एस से मैं फिनिश कर देता हूँ और यही मेरे पास सबसे बढ़िया मौका था इस बंदे से लूट करने का क्योंकि मेरे पास हीलिंग भी नहीं थी और एमओ भी ख़त्म होने वाली थी और अभी भी यहाँ पे इसके दो बंदे बचे हुए हैं तो यहाँ पर भाई ए के एम का एम उठा लेता हूँ आराम से मैं और चलते हैं यहाँ पर हेल्थ मारते हुए और जैसे इस वाली बिल्डिंग में आता तो हूँ सामने वाली बिल्डिंग पे भाई दो बंदे हो जाते हैं और वही दो बंदे लास्ट बचे होते हैं जिसमें से एक को काफी ज़्यादा डैमेज देता हूँ और दूसरा बंदा यहाँ से भाई दूसरी खिड़की से नीड मारने लग जाता है मेरे पे और जैसे नीड मारता है ऐसे काफ़ी इजीली नॉक कर देता हूँ अब बारिश के टीम की और उसका टीम इसे रिवाइव देने ऊपर चले जाता है जब इस बंदे को लगा रिवाइव नहीं दे पाऊंगा तो भाई ये खिड़की से कूद रहा था और खिड़की पर ही अटक जाता है तो जिस गाड़ी से ये आए थे उसी गाड़ी से मैं भी निकलता हूँ यहाँ से क्योंकि भाई की में बंदे हो चुके थे ख़त्म तो भाई अपार्टमेंट साइड आता हूँ अपार्टमेंट साइड भाई मुझे लगा कि यहाँ बंद है क्योंकि साउंड आया था पर जैसे मैं यहाँ पर आता तो हूँ किसी बंदे का साउंड बिल्कुल नहीं आता है तो यहाँ पर बॉर्ड था रियल बंदा था मेरे को समझ में बिल्कुल नहीं आया जिसे मैंने काफ़ी ईजिली नॉक फिनिश कर दिया और मुझे लगा कि अपार्टमेंट में बंदे नहीं होंगे कि भाई मेरे को ऐसी ही खाली रैंडम साउंड आया होगा तो पर जब मैं यहाँ से निकलता भाई मुझे लगा अभी भी भाई अपार्टमेंट में बंदे हो सकते हैं क्योंकि बंदे बहुत तगड़े कैम्प कर रहे हैं तो जैसे ही मैं यहाँ से जाता हूँ मुझे पीछे से बहुत गंदा फायर पड़ता है अभी देखना आपको भी सुनाई देगा तो देख सकते हो भाई मैंने गाड़ी वहाँ पे घुमाई पर बंदों ने बिल्कुल भी साउंड नहीं दिया मुझे वहाँ पे क्योंकि बंदे भाई बहुत तगड़ा कैम्प कर रहे हैं अगर आप बिल्डिंग में घुस जाओगे और आपको पता चल रहा है कि भाई चार बंदे हैं तो फिर आपका बचाना बहुत ही मुश्किल है वो भी अपार्टमेंट जैसी जगह तो यहाँ पे एक स्कॉट कैम्प कर रही थी जिसके एक बंदे को मैं काफ़ी इजीली पेल देता हूँ और यहाँ पे मैं ग्रोजा बिल्कुल नहीं चलाता हूँ क्योंकि बंदे भाई डर जाएंगे कि ग्रोजा सुन के पर इसलिए मैं इस बंदे को भाई यहाँ पे एम फोर सिक्सटीन से मारता हूँ पर मुझे बंदे अभी भी स्पॉट नहीं होते क्योंकि नीचे साइड भाई यहाँ पर स्मोक चढ़ा होता है क्योंकि बंदे अभी भी साउंड नहीं दे रहे भाई बंदे कहाँ कैम्प कर रहे हैं और जैसे मैं गाड़ी यहाँ पर घुमा के आता हूँ भाई देखो बंदा इतना कैम कर रहा है मैंने उसका टीम को भाई ऊपर नॉक करा फिनिश करा वो बंदा मेरे पे भाई रस ही नहीं कर रहा और इसकी पूरी स्कॉट यहीं पे कैम कर रही होती है भाई देख सकते हो मैं गाड़ी यहाँ से घुमा रहा हूँ वो बंदा फायर ही नहीं कर रहा भाई वो अपना पूरा एंगल बना के डूट रहा है देखो मैंने गाड़ी इसलिए स्लो करी क्योंकि मुझे बंदे स्पॉट हो नहीं रहे थे और इस बंदे ने काफ़ी ईजिली कैम्प करके भाई पेल दिया तो भाई कैंपर का क्या ही कहना है सीज़न और भाई सीजन 19 ऐसा लग रहा है कि भाई कैंपर इंटू हंड्रेड सीज़न 19 ऐसा ही लग रहा है तो भाई आज की वीडियो पे इतना ही मिलता है अगली वीडियो में तब तक लेना रहा